बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन 2022-23 के एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिकल के प्रोग्राम्स भी शामिल हैं जिनमें जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में जो है वो एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि BS डिग्री प्रोग्राम जो कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोग्राम्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो डिमांड करते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में कि कौन सर ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रहे हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि एक तो जो है वो इनका फ़ी क्राइटेरिया बहुत कम होता है और इसके साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी जो है वो ऑफर किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इनमें जो है वो सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, ईस्टर्न मेडिसिन 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और इसके बाद फार्मेसी फॉर्म डी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इसके बाद आगे अगर हम डिटेल में जाएं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर अगर हम बात कर लें तो BS इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, LLB मास कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, पोलिटिकल साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनानस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम शामिल हैं। इसके बाद अगर हम जो है वो मजीद प्रोग्राम्स की तरफ चले जाएं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायो केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जो है वो जोलॉजी के प्रोग्राम्स शामिल हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज के अंदर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, रिमोट सेंसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैट के BS स्टैटिस्टिक्स के प्रोग्राम्स शामिल हैं। इसके अलावा जो BS के डिग्री प्रोग्राम जो इवनिंग में ऑफर किए जाते हैं क्योंकि इवनिंग के प्रोग्राम्स में इनकी थोड़ा सा एक तो जो है वो फीस स्ट्रक्चर डबल होता है और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में इवनिंग के प्रोग्राम्स में जो है वो स्कॉलरशिप्स भी ऑफर नहीं किए जाते, सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इनमें जो है वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के कुछ प्रोग्राम्स हैं, BS इंग्लिश हिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसके बाद BBA का प्रोग्राम शामिल है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू का। इसके बाद अगर हम बात कर लें फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ईस्टर्न मेडिसिन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्राम्स हैं जो इवनिंग में भी ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैट के प्रोग्राम्स शामिल हैं। इसके बाद आगे हम मजीद डिटेल की तरफ जाते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए जो है वो आपको टेस्ट भी देना होगा। कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसा कि जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए जो है वो आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा और बाकी जो मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं इनका जो है वो आप FSC के मार्क्स की बेस पे जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई अलहदा से टेस्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट BS 4 ईयर प्रोग्राम्स में जो है वो एडमिशन का क्या तरीकाकार है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। पंजाब के डोमिसाइल होल्डर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम्स की उम्र की हद जो है वो 22 ईयर्स है, ठीक है, और इवनिंग की जो है वो 24 ईयर है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें कि रिलैक्सेशन की तो 3 साल की रिलैक्सेशन भी एज में जो है वो दी गई है। FA, FSC, ICOM, ICS, A-Level या इसके मसावी इम्तहान कम अज़ कम 45% मार्क्स के साथ जो है वो पास होना ज़रूरी है। BS इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, BS IT, BS SE के प्रोग्राम में दाखिले के लिए इनकी मुतलका काउंसल्स के मुताबिक 50% मार्क्स जो है वो आपके होना लाजमी है। मॉर्निंग और रिप्लिका प्रोग्राम्स में दाखिले मेरिट यानी FA, FSC, ICOM, ICS, A-Level या इसके मसावी इम्तहान 2nd Annual 2021 और 1st Annual 2022 में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर किए जाएंगे। ताहम इससे पिछले सेशन के तुलबा को 10 नंबर फी वर्ष कटौती के हिसाब से रिप्लिका प्रोग्राम्स के लिए ज़रा गौर लाया जाएगा। दाखिल तालिब इल्मा के इस नाम तलका इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से तस्दीक शुदा होनी चाहिए, ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो A-Level या O-Level से हैं तो वो अपना जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर जो है वो बनवा लें। इसके बाद ऑनलाइन जो है वो सिर्फ एडमिशन इनके ऑनलाइन है, इसके लिए जो है वो वेबसाइट आपने विजिट कर लेनी है, GCUF.edu.pk/admissions।
ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आगे जो है वो ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट में जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस के हवाले से भी जो है वो कंप्लीट गाइडलाइन फ्राहम करूंगा। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपने 700 पे करनी होती है, जो एडमिशन की प्रोसेसिंग फी है। इसके बाद फिर आगे फर्दर जब आपकी लिस्ट लग जाएगी तो आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मांगे जाएंगे, और जो है वो फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फी भी जो है वो पे करनी होगी। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सूरत में जो है वो आपने ना तो कोई कैंपस विजिट करना है, ना कोई प्रोस्पेक्टस परचेज करनी है, जस्ट आपने जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और अगर हम बात कर लें डेडलाइन की, तो 31/10/2022 जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, ठीक है। और जिन कैंपसेस की टेस्ट के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है, तो 5/11/2022 को जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सुबह 10 बजे। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हदायत दी गई है कि मज़ीद किसी भी किस्म की जो है वो आपको अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो वेबसाइट जो है वो आप विजिट कर सकते हैं www.gcuf.edu.pk। तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने वेबसाइट admissions.gcuf.edu.pk, ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपसे लॉग इन डिटेल मांगी गई है, और अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आपने क्रिएट एडमिशन अकाउंट के ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है वो सबसे पहले नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा जेंडर, ब्लड ग्रुप, डोमिसाइल, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट होम एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इसके बाद आपसे जो है वो मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और जो भी आपने जो है वो पासवर्ड रखना हो वो पासवर्ड आपने जो है वो इधर इंटर करना है, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है, और लास्ट पे जो है वो आपने सेव डेटे के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, वापस जो है वो आप इसी पेज पर, मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से जो है वो आपने अपना CNIC इंटर करना है, और डेट ऑफ बर्थ आप इंटर करेंगे, और आप जो है वो इजीली लॉगिन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह से जो है वो पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि फ्रंट पेज पे जस्ट जो है वो यही लिखा हुआ है कि GCUF वेलकम टू ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो इसके साइड पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ये 3 लाइन्स जो लगी हुई हैं, इसके ऊपर जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपसे स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई हैं। यहाँ पे आपने जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके अपना सारा डाटा लिखना है, उसके बाद आपने जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने जो है वो अपने एकेडमिक डिटेल्स यानी कि अपने अपने मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के मार्क्स, और जिन स्टूडेंट्स के FSC कम्प्लीट है उन्होंने कम्प्लीट के मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। फोर्थ नंबर पे एंट्री टेस्ट का ऑप्शन है, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिन्होंने जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट या ECAT का टेस्ट दिया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर पुट कर देंगे, या जो है वो अगर आप एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आगे आ जाता है एडमिशन प्रोग्राम्स, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स में जो है वो आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनके ऊपर जो है वो आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपने जो है वो वोचर प्रिंट आउट ले लेना है।